उदयपुर में कलेक्ट्री के बाहर आए दिन किसी न किसी बात को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू ही रहता है। इसी के चलते शुक्रवार को जिला कलेक्ट्री के बाहर कांग्रेसियों ने केंद्रीय सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। दरअसल हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा खाद्य सामग्रियों पे 5% GST के आदेश लागू किए गए थे, जिसके विरोध में जिला कलेक्ट्री के बाहर प्रदर्शन करते कांग्रेस के लोगों और पुलिसकर्मियों के बीच गहमा गहमी का माहौल बन गया। प्रदेश कांग्रेस के निर्देश में शुक्रवार को प्रदेश में हर जगह विरोध प्रदर्शन हुए। इसी कड़ी में उदयपुर में भी प्रदेश कांग्रेस के निर्देशानुसार जिला कलेक्ट्री कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के चलते कांग्रेसियों को सामूहिक रूप से गिरफ्तारी देनी थी। प्रदर्शन में लोगों ने जमकर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान कुछ कांग्रेस समर्थक और पदाधिकारी सड़कों पर बैठ गए और कांग्रेस के समर्थन में भी नारेबाजी करने लगे। इस कारण कलेक्ट्री के मुख्य द्वार के सामने रोड पर ट्रैफिक का मूवमेंट स्लो हो गया और ट्रैफिक जाम हो गया। ट्रैफिक को वापस सुचारू रूप से चलने के लिए पुलिसकर्मियों ने उन्हें वहां से हटने को कहा, लेकिन फिर भी वो लोग अपने प्रदर्शन में लगे रहे। जब हालात और खराब होते गए तो पुलिसकर्मियों ने उन्हें जबरदस्ती वहां से हटाने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच खींचतान भी हुई। इसी दौरान कांग्रेस पार्टी के गौरव प्रताप सिंह खूब आक्रोशित नजर आए और अपना शर्ट खोलकर प्रदर्शन करने लगे। माहौल को और खराब होता देख पुलिसकर्मियों ने एक एक करके प्रदर्शनकारियों को बस में भरना शुरू कर दिया। इस प्रदर्शन में पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गिरजा व्यास, उदयपुर पूर्व सांसद रघुवीर सिंह मीणा ने भी मोदी सरकार का विरोध करते हुए गिरफ्तारी दी। इस दौरान कांग्रेस नेता कमल चौधरी ने कहा कि सभी कांग्रेसी केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने आए हैं, औपचारिकता के लिए नहीं आए हैं और हम सब सामूहिक रूप से गिरफ्तारी देंगे। हम फॉर्मेलिटी पूरी नहीं कर रहे हैं, हम फॉर्मेलिटी पूरी नहीं कर रहे हैं, संघर्ष करेंगे। अरे क्या हो गया सरकार, अभी तो फिलहाल आंदोलन कुछ नहीं कर रहे हैं, मोदी के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। सही है, मोदी के लिए समुद्र पे आगे छोड़ो, जय समन्त। अरे हमारे बाप दादा नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे? फ्रीडम फाइटर की औलाद है, बनने से भी नहीं डरते। दोस्तों, CBC न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने CBC न्यूज के हर अपडेट मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।